निदा क्या नाम है आपका? अच्छा निदा का नाम? आप बताइए थोड़ा सा, टिकटॉक बनाती हैं आप? हाँ जी, मैं टिकटॉक बनाती हूँ। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? इनके अलावा? 10 मिलियन। 10 मिलियन? हाँ ऐसे ही। हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। जहाँ पे हम सोचते हैं कि हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अपने ही लोगों में हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। वैसे MJK न्यूज़ की दिलचस्प और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कितना मजा आया तुम लोगों को? बहुत मजा आया ना? सच में आवाज नहीं निकल रही यार, सारा मजा आया आपको? मुझे तो बहुत ज्यादा आया। होए होए। ओके देखिए दोस्तों, सब बहुत खुश है। ये सारे जो हिंदू परिवार हैं, पंजाब से ही कि बाहर से आए हैं? पंजाब से। सारे पंजाब से हैं। और सही है, तो इतना प्यारा था ना। अपनी वीडियो कृष्णा जी, अपनी वीडियो खुद ना करें, फिर तेन हंसी आनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना गिल। सना गिल जो टिकटॉकर की बहुत बड़ी टिकटॉकर है। बहुत बड़ी टिकटॉकर है और फॉर यू पे वीडियो। आप बताइए थोड़ा सा, टिकटॉक बनाती हैं आप? हाँ जी, मैं टिकटॉक बनाती हूँ। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? इनके अलावा? इनके अलावा 10 मिलियन। 10 मिलियन? हाँ ऐसे ही लगता तो ऐसे ही है, जैसे शूटिंग हो रही है 10 मिलियन से ज्यादा होंगे। आपके इर्द गिर्द से आपके जवाब आते हैं, ये दोनों बंदे कौन है? इनको छोड़ के बाकी से मुझे सबको पता है मैं कौन। अच्छा कैसा लगा आज होली पे यहाँ पे खुशियाँ मनाने? अच्छा लगा, स्पेशली कृष्णा जी का थैंक यू जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। आप भाई थोड़ा बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। तनीश कुमार। अच्छा। कहाँ से आए? मैं लाहौर से हूँ और फैक्ट्री ओनर हूँ, शूज़ की फैक्ट्री है मेरी। ओहो, सबसे पहले अपना नंबर बताएं, हमने शूज़ लेने। सर शूज़ अगर नंबर बता दिया फिर सारा लाहौर ही आ जाएगा। नहीं डिस्काउंट भी नहीं। वो फिर कैसा लगा होली में आके? मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। निदा क्या नाम है आपका? अच्छा निदा का नाम पूछ रहे? मेरा नाम निदा है, मेरे ये बोल रहे हैं। आज बताएं फिर कैसा फील कर रही है होली में? आप हर साल आती हैं यहाँ पे, इनके साथ खुशियाँ मनाती हैं? हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, इंजॉय किया। आप लोग बहुत लेट आए हैं, हम भी थोड़ा लेट थे लेकिन फिर भी बहुत इंजॉय किया हमने। पिछले साल से ज़्यादा सुना है, इस दफ़ा किया है इन्होंने? हाँ जी, पिछले साल मैं नहीं आई थी लेकिन इस साल आई हूँ। अच्छा था, सबको खुशियों में शरीक होना चाहिए, सबके प्यार सबको बांटना चाहिए। जी जी, सबको बांटना चाहिए मिलजुल के। सब लोग हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग हैं, साथ साथ इंजॉय कर रहे सब। माँ जी को मुलाकात हुई तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैंने ढूंढ लिया था माँ जी उधर बैठी थी। जी मुझे उधर से लेके आई, कहती इधर बैठो मेरे पास। चले बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, हमेशा अच्छा लगता है। हाँ जी शुक्रिया, थैंक यू। चलो जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम नास, मैं सिंगर हूँ। सिंगर है? नेशनल सिंगर हूँ मैं। इंटरनेशनल सिंगर? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा आज होली का बड़ा खुशियों वाला दिन है, कोई लाइन ही सुना दे एक दो हमें। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे होली मनाने के लिए, इनकी खुशियों में शामिल हुई हूँ और बहुत अच्छा मतलब इनका इंतज़ाम था। और यहाँ पे क्रिश्चियन मुस्लिम सब लोग इकट्ठे थे, पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान में इसमें सब भाई भाई हैं, और बड़ी अच्छी बात है। इस तरह के इवेंट मैं कहती होने चाहिए, क्योंकि हम जो खुदा की ज़ात है उसने सबको एक बनाया है, तो मिलजुल के हम लोगों को कोई भी इवेंट हो उसे मनाना चाहिए। और ये होली मैंने फर्स्ट टाइम देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इन्जॉय किया मैंने। जी तो खुशियाँ बांटने का, बिल्कुल खुशियाँ बांटने का और इकट्ठे होकर मिल बैठने का है, और सब लोग यहाँ पे मिल बैठे हैं, हर मज़हब के लोग।
तो खुशी महसूस हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो जब भी ऐसा इवेंट होगा इनका और मैं ज़रूर शामिल। कहाँ से आप तशरीफ लाई है? मैं आई हूँ कैंट से, कैंट से आई हूँ और मैं इवेंट करती रहती हूँ। अब हमें एक दो लाइनें सुनाई दें फिर, आपकी आवाज़ तो अच्छी लग रही है। अच्छा वो तो इंडियन है, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी तमिल, तमिल भी सुना सकते हैं। नहीं इंडियन, इंडियन चल, इंडियन सुना। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। ये क्लैपिंग, क्लैपिंग, ये क्लैपिंग। ये गाना ज्यादा प्यार वाला था, थोड़ा सा नहीं, ये ज्यादा प्यार हुआ। मैं ये अपना रुखसाना मुझे यहाँ पे लेके आई, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत मुझे मोहब्बत करती हैं और ये मुझे लेके आई यहाँ पे, इनकी वजह से मैंने इतना अच्छा माहौल, इतने अच्छे लोगों से मिल लिया। शुक्रिया। अच्छा क्या नाम है आप? राबील। राबील बताएं फिर आज कैसा फील कर रही हैं यहाँ पे होली के फंक्शन में आके? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे ज़रा भी फील नहीं हो रहा कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ पे करप्शन या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं कि हिंदू अलग हैं और मुस्लिम अलग हैं, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अपने ही लोगों में हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। वैसे भी होली नाम ही प्यार और मोहब्बत बांटने का कलर, ज़िंदगी में होंगे तो हम खूबसूरत हैं, अगर ज़िंदगी में रंग नहीं तो हम खूबसूरत नहीं हैं। आप ख़ुद भी एक एंकर हैं तो बताएं यहाँ पे कैसा माहौल लगा आज, आपने इंटरव्यूज़ भी किए लोगों के? मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और लोग अपनी राय का भी इजहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई नुकसान नहीं है, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ और बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हमें अच्छी सिक्योरिटी फराहम की गई है, मैंने तो यही देखा है। माँ जी को मिल के कैसा लगता है आपको, पहले तो ये बताएं? माँ जी को तकरीबन मैं 10 साल बाद मिली हूँ और मेरी खुशी का आप नोटिस कर सकते हैं मेरे फेस से, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ। मेरा दिल कर रहा है मैं माँ जी के पास बैठी रहूँ, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि मुझे भी चैनल पे काम करना है। इंशाल्लाह मैं फ्री होकर जाऊँगी मामा के पास और माँ जी से गपशप लगाऊंगी, 10 साल गुजर गए यार। चले ज़रूर मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह।